अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं किरमानी एलपीजी गैस। तो जनाब, किरमानी एलपीजी गैस आपके लिए लेके आए फाइबर के स्टैंडर्ड्स, और इस दफा आपके लिए मुख्तलिफ कैपेसिटीज वाले स्टैंडर्ड मौजूद हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो जनाब, आज हम आपको रिव्यू करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है रेहान। आ जाओ भाई रेहान, ले जनाब रेहान आ गए और हमें रेहान करवाने वाले हैं सिलेंडर्स का रिव्यू। तो रेहान साहब, हमें बताएं सबसे पहले कि ये जो नीला सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये कितने किलो का है? ये 10 किलो का है भाई। जनाब, ये 10 किलो का है ना यार? रेहान, 10 किलो का लेके आओ। रेहान, इसका खाली वजन कितना है? खाली है यार 5.5 किलो। जनाब, इस सिलेंडर का खाली वजन 5.5 किलो है। आप देख सकते हैं कि इस पे 5.5 किलो लिखा हुआ है और इसमें 10 किलो गैस आती है। तो जनाब, ये ब्लू कलर में हमारे पास अवेलेबल है। रेहान, और कौन कौन से कलर हमारे पास अवेलेबल है? ब्लू, येलो और रेड। तो जनाब, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो यार, ये रेहान छुटकू सा सिलेंडर पड़ा हुआ है, इसमें कितनी किलो गैस आती है? 6 किलो का सिलेंडर है, इसमें आ जाती है 5 किलो गैस आ जाती है। जनाब व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, 5 किलो गैस, तो इसको लिखा हुआ है, मतलब इसमें आप 5 किलो गैस भरवा सकते हैं। 6 किलो है इसका खाली वजन कितना यार? 4 किलो। 4 किलो जनाब इसका खाली वजन है। ये बिल्कुल जो है ना फाइबर के सिलेंडर है, बच्चा भी खा सकता है। रेहान, आप खा के खाओ जरा। वाह यार रेहान, ये तो आपने एक उंगली से उठा दिया। अच्छा रेहान, मुझे बताओ, ये रेड कलर का सिलेंडर काफी लंबा सा लग रहा है मुझे, बाकी सिलेंडरों से मुख्तलिफ लग रहा है। इसमें कितनी गैस आ जाती है? 13 किलो आ जाती है ना यार? हाँ जी, 13 किलो आ जाती है इसमें। नहीं यार, मैं तो इसमें 10 किलो ही भरवाऊंगा। 13 किलो भराओ। मैंने सुना ये सिलेंडर फटते नहीं है, वही है? हाँ जी, ये फटते नहीं है, ये पंचर हो जाते हैं। पंचर हो जाते हैं, जैसे गाड़ी का टायर पंचर होता है? हाँ जी हाँ जी, ब्लास्ट नहीं होता, जैसे जुड़े वाले ब्लास्ट हो जाते हैं। ये फाइबर के सिलेंडर हैं, ये फटते नहीं है। इसमें आप 13 किलो गैस भरा सकते हैं इजीली होके, और बेफिक्र होके रहें। ये आपका महीना एक महीना निकाल देगा 13 किलो वाला। यार इसमें 13 किलो गैस है कि फिर तो इसका मतलब एक महीना आराम से गुजर जाएगा। तो यार, आप हमें लाइव दिखाओगे इसमें 13 किलो गैस भर के? हाँ जी, भर के दिखा देंगे। चलो यार, हमें दिखाओ तो सही। जनाब, आज आपको हम दिखाएंगे सिलेंडर में गैस भरने का तरीका। तो सबसे पहले हम सिलेंडर रखेंगे कंडे के ऊपर। कंडे के ऊपर रखो सिलेंडर। सबसे पहले जनाब, हमने सिलेंडर रख दिया कंडे के ऊपर। इसका खाली वजन जो है वो 6 किलो आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे नोजल। इस तरह नोजल लगा के आपने टाइट कर देना है। सिलेंडर में गैस भरना बहुत ही आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, इसी तरह सिलेंडर में गैस भरी जाती है। तो जनाब, ये कंडे के ऊपर सिलेंडर रखने के बाद यहाँ से हमने किया इसको जीरो, ये कंडा जीरो हो गया। और अब हम यहाँ से वॉल खोल देंगे। अब सिलेंडर में जितनी भी गैस जाएगी वो वजन यहाँ पे शो होता जाएगा। देख सकते हैं कि इसमें 13 किलो गैस पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसको उतार के आपको टोटल वजन चेक करवाते हैं। इसी गोटी खोलते हैं। ये जनाब, इसके ऊपर से हमने गोटी उतार ली है। अब जैसे कि आपको लगा कि एकदम इसमें से गैस कम होगी, ये गैस कम नहीं हुई है, ये नोजल उतार रही है। जब हमने लगाई थी तो आपने देखा कि हमने कंडा जीरो किया था, और अब उतारने के बाद जो है इसको हम करेंगे यहाँ से जीरो। जीरो करने के बाद अब हम सिलेंडर को उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल वजन इसका हो गया है 19 किलो। जीरो करते हैं दोबारा, इसको रखते हैं ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिलेंडर का खाली वजन 6 किलो है, और 13 किलो गैस जाने के बाद ये हो गया है 19 किलो। तो इस सिलेंडर में इस टाइम 13 किलो टोटल गैस मौजूद। तो जनाब, आपको इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था कि गैस सिलेंडर में किस तरह भरी जाती है, और इस सिलेंडर में 13 किलो गैस पूरी आ जाती है।